हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नबील। वैसे यहाँ पर ये रहा मेरे पास में Realme Narzo 70X स्मार्टफोन। आपको इसी स्मार्टफोन के इसी वीडियो में टॉप 60, जी हाँ दोस्तों 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग ऑसम फीचर्स बताऊंगा ताकि आप इस वीडियो को देखकर इसी स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑसम कमाल धमाल तरीके से यूज़ कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फीचर की बात करते हैं। आप दो एप्लीकेशन को एक ही फ़ोन में, एक ही वक्त में, एक ही स्क्रीन में यूज़ करना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन ओपन करके आप करेंगे, थ्री फिंगर को ऊपर लेकर जाएंगे, इस तरह से नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आता है। आप दूसरा कोई भी एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए दो एप्लीकेशन यहाँ पर भी ओपन है फिलहाल। अब मान लो आप दो एप्लीकेशंस के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है और दूसरा एप्लीकेशन ये, तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। फास्ट डबल क्लिक करेंगे, दो एप्लीकेशंस के बीच में आप स्विच हो सकते हैं। अगले फीचर के लिए एक कमाल का फीचर बताऊंगा आपको तगड़ा। इसके लिए आपको सेटिंग्स में आना है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आना है, उसके बाद एकदम नीचे आना है, आपको मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आना है और एकदम नीचे आना है, ऐप पिनिंग में आना है, इसको ऑन कर लेना है। एग्जाम्पल इस एप्लीकेशन को ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके पिन करेंगे, गॉट इट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बैक, होम, मेनू, कुछ भी क्लिक करेंगे तो कुछ भी होगा ही नहीं। आप ये एक ही एप्लीकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई भी नहीं। अब इसको निकालना चाहते हैं तो बैक और मेनू दोनों बटन के ऊपर एक साथ लॉन्ग प्रेस करेंगे, उसके बाद लॉक हो जाएगा आपका स्मार्टफोन। इसको अनलॉक करना है, उसके बाद में अनलॉक करने के बाद आप बैक करेंगे तो तब बैक होगा। अगले फीचर के लिए आप कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करके थ्री डॉट क्लिक करके यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो में ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर विंडो में ओपन रखकर साथ में दूसरा एप्लीकेशन भी कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए इसको होम बटन पर क्लिक करके रखते हैं तो उस एप्लीकेशन में क्या यूज़ कर रहे थे आपको यहाँ पर दिखता है मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद। नहीं दिखना चाहिए तो थ्री डॉट क्लिक करके यहाँ पर करेंगे हम हाइड कंटेंट, तो यहाँ पर ये हाइड हो जाता है। अगले फीचर के लिए आपको आना है दोस्तों इस फोन के सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है वॉलपेपर्स एंड स्टाइल। इस सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है थीम्स। आपको यहाँ पर बहुत सारे थीम्स मिलते हैं, आपको जो थीम अच्छा लगता है उसको आप डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं, पूरे फोन का लुक ही चेंज हो जाता है। आपको यहाँ पर बहुत सारे थीम्स मिलते हैं दोस्तों, जो आपको स्टाइल अच्छा लगता है उसको अप्लाई कर लेना, लुक चेंज हो जाएगा आपके स्मार्टफोन का। अगले फीचर के लिए आपको सेटिंग्स में आके वॉलपेपर्स एंड स्टाइल सेटिंग में आके आपको यहाँ पर मिलता है आइकन्स। आपके जो एप्लीकेशंस हैं उनके स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जो स्टाइल आपको अच्छा लगता है वो स्टाइल आप सेट करके अप्लाई करेंगे, वो आपके एप्लीकेशंस उसी स्टाइल में हो जाते हैं। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है वॉलपेपर्स, यहाँ से आप वॉलपेपर्स चेंज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। इसके अलावा एल्बम पर क्लिक करके आ सकते हैं अपने गैलरी में, अपने गैलरी का फोटो सेलेक्ट करके रख सकते हैं लॉक या होम स्क्रीन पर। इसके अलावा बैक आते हैं और आपको इसी वॉलपेपर्स एंड स्टाइल सेटिंग में आने के बाद नीचे यहाँ पर आपको मिलता है फॉन्ट। आपको इसमें आना है, आपके फॉन्ट्स के स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये अच्छा लगता है तो ये अच्छा लगता है तो ये, नहीं तो मोर में आके और भी स्टाइलिश वाले फॉन्ट्स आप यहाँ पर डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो फॉन्ट्स अच्छे लगते हैं इसको डाउनलोड करके अप्लाई कर लेना, आपके पूरे फ़ोन के फॉन्ट्स उसी स्टाइल में हो जाते हैं। दोस्तों आता हूँ बैक, आपको यहाँ पर मिलता है फ़ॉन्ट साइज़। अगर आपके आंख कमज़ोर हैं, आपको ठीक से नहीं दिखता तो आप अपने फ़ॉन्ट्स को मैक्सिमम इतने बड़े कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट तो ये इतने होते हैं, मैं थोड़ा इतना कर लेता हूँ, मीडियम अप्लाई कर लेता हूँ। उसके बाद आपको इसी वॉलपेपर्स एंड स्टाइल सेटिंग में आने के बाद नीचे यहाँ पर है कलर्स, मतलब आपका जो यूआई है अपने यूआई कलर को आप चेंज कर सकते हैं। फिलहाल तो ब्लू है आपका यूआई, यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर मैं चेंज कर चुका हूँ। आपको जो अच्छा लगता है यूआई कलर वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बैक आता हूँ, आपको यहाँ पर मिलता है क्विक सेटिंग्स। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन पैनल में जो आइकन है, ये इन आइकन के शेप को आप बदल सकते हैं। यहाँ पर जो आपको शेप अच्छे लगते हैं उसको आप यहाँ पर सेट कर लेना। अगले फीचर के लिए थ्री फिंगर को नीचे लेकर आएंगे, स्क्रीनशॉट लग जाता है। वॉल्यूम बटन और पावर बटन पर एक साथ प्रेस करेंगे तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेने के लिए सबसे पहले कैसे भी स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको कहाँ तक चाहिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट उतना सेलेक्ट कर लेना है, डन पर क्लिक करना है, ये लॉन्ग स्क्रीनशॉट लग जाता है। अगले फीचर के लिए आप यहाँ पर एप्लीकेशन को ओपन करके फोन के यहाँ पर क्लिक करेंगे थ्री डॉट पर और सेटिंग्स में आएंगे। यहाँ पर आपको एक्सेसिबिलिटी में आना है, यहाँ पर जो नॉइस रेडिएशन ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे। आप ट्रैफिक प्लेस पर रहकर, मार्केट प्लेस पर रहकर किसी को कॉल करते हैं तो सामने वाले को आपकी आवाज़ क्लियर सुनाई देगी। बैक आता हूँ, आपको आना है नीचे ब्लॉकेड नंबर्स में, अननोन को ऑन करेंगे तो जो नंबर आपके फ़ोन में सेव नहीं है उन नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा, ऑफ करेंगे तो ऑल नंबर से कॉल आएगा। यहाँ पर ऐड ए नंबर पर क्लिक करके जो भी नंबर को ब्लॉक करना चाहते हैं उस नंबर को डायल करके ब्लॉक करेंगे, वो नंबर नंबर ब्लॉक लिस्ट में पड़ जाता है। इस तरह से आप ब्लॉक लिस्ट से इसको निकाल भी सकते हैं। आता हूँ बैक, एकदम नीचे आता हूँ। आपको कॉलर आईडी अनाउंसमेंट में आना है, अनाउंस कॉलर आईडी पर क्लिक करके इसको ऑलवेज पर सेट कर सकते हैं। आपको कॉल आता है तो किसका कॉल आ रहा है उसका नाम आपको इस स्पीकर में सुनाई देगा। अगले फ्यूचर के लिए आपको फोन मैनेजर बोलकर एक एप्लीकेशन मिलता है इस फोन में, इसमें आपको आना है, ऑप्टिमाइज कर लेना है। यहाँ से आपको ऑप्टिमाइज ऑप्शन आएगा, यहाँ पर ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन और भी स्पीड चलता है। कभी कभी आपका स्मार्टफोन लैग होता है तो ऑप्टिमाइज कर लेना अपने स्मार्टफोन को और भी स्पीड करने के लिए। उसके बाद नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर टूल्स मिलता है, इस टूल्स में आपको आना है। यहाँ पर आपको ऐप लॉक मिलता है, यहाँ से आप ऐप लॉक सेट करके रखना चाहिए, ऐप लॉक सेट कर सकते हैं। गॉट इट पर क्लिक करेंगे, इसको ऑन करेंगे। यहाँ पर हम सेटिंग्स पर क्लिक करके पैटर्न, पिन, पासवर्ड, आप यहाँ पर जो रखना चाहे रख लेना अपनी मर्जी के हिसाब से। ऐप लॉक के लिए आपने इसको रख लिया। उसके बाद हम करेंगे दोस्तों नेक्स्ट, यहाँ पर हाई वगैरह कुछ भी डाल देंगे चलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको उस एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना है जो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद लॉक पूछना चाहिए, आपने सेलेक्ट कर लिया। थ्री डॉट पर क्लिक करना है, उसके बाद सेटिंग्स में आना है, लॉक आइकन पर क्लिक करके उसको एग्जिटिंग द ऐप पर सेट कर लेना। अदर अनलॉक मेथड्स पर क्लिक करके आप फिंगरप्रिंट और फेस लॉक से भी यूज़ कर सकते हैं। ऐप लॉक के लिए यूज़ करना चाहिए तो इसको ऑन कर सकते हैं, बस आपने कर लिया। अब हम उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ये लॉक पूछता है, इस तरह से देख लीजिए। अगले फ्यूचर के लिए भी इसी फोन मैनेजर एप्लीकेशन में आएंगे, यहाँ पर नीचे आएंगे, आपको टूल्स में आना है। यहाँ पर आपको मिलता है हेड एप्स, यहाँ से आप एप्लीकेशन को हेड करके रख सकते हैं। कौन से एप्लीकेशन को हेड करना है उस एप्लीकेशन को करेंगे सेलेक्ट। उसके बाद सेटिंग्स पर क्लिक करके एक कोड को डायल करेंगे, वो कोड ये है #0000#, ये कोड है। आपको उसके बाद राइट पर क्लिक कर देना है, डन पर क्लिक कर देना है। वो एप्लीकेशन अभी हेड हो जाएगा, हमको नहीं मिलेगा। अभी हम उस एप्लीकेशन को यूज करना चाहे तो इस फोन पर क्लिक करके वही कोड को डायल करेंगे, जैसे कि #0000# डायल करेंगे, वो एप्लीकेशन आ जाएगा जो आपने हेड किया था। अगले फ्यूचर के लिए इसी फोन मैनेजर एप्लीकेशन को ओपन करके नीचे आकर इसी टूल्स में आएंगे, प्राइवेट सेफ पर क्लिक करके यहाँ से आप अपना इंपॉर्टेंट डेटा छुपा कर रख सकते हैं। फाइल मैनेजर में, गैलरी में शो नहीं होना चाहिए तो आप यहाँ पर छुपा कर रख लेना। आप यहाँ पर जो भी छुपा कर रखेंगे वो फाइल मैनेजर में, गैलरी में शो नहीं होंगे। आप यहाँ पर डायल पैड को ओपन करके #0000# डायल करेंगे, यहाँ पर प्राइवेट सेफ फोल्डर मिलता है, यहाँ से आप वो देख सकते हैं जो भी आपने छुपा कर रखा है। अगले फ्यूचर के लिए आपको आना है दोस्तों इस फोन के सेटिंग्स में, आपको यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आना है। यहाँ पर लाइट मोड आपको कर लेना, डार्क मोड तो पूरा फोन ब्लैक सा हो जाएगा, आपके आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता स्क्रीन का, और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है, इसलिए इसको एनी टाइम ऑन करके यूज करना। मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर ऑटो ब्राइटनेस को ऑन कर लेना, तो जैसे आप अंधेरे में जाते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कम होता है, जैसे आप धूप में जाते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस है ना ज्यादा होता है। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको आई कंफर्ट बोलकर एक काफी कमाल का फीचर मिलता है। आपने इसको ऑफ करके रात में स्मार्टफोन को यूज किया, सबसे पहली चीज तो इसको ऑन करके इसकी कैपेसिटी को ज्यादा कम भी कर सकते हैं। आप इसको ऑफ करके रात में स्मार्टफोन को यूज करेंगे तो आपके आंखों में ब्लू लाइट्स जाते हैं, आपके आंखों में ब्लू लाइट्स जाने से आपको नींद नहीं आएगी, आपकी नींद को किल करते हैं वो ब्लू लाइट्स, इसलिए आप इसको ऑन करके रात में स्मार्टफोन को यूज करेंगे तो वो ब्लू लाइट्स फिल्टर होंगे, आपके आंखों में ब्लू लाइट्स नहीं जाएंगे तो आपको टाइम टू टाइम नींद आएगी। इसलिए इसको रात में स्मार्टफोन को यूज करते वक्त ऑन करके यूज करना, नहीं तो आप यहाँ से इसको बंद करके शेड्यूल पर क्लिक करके इसको यहाँ से ऑन करेंगे शेड्यूल को, तो जैसे रात होती है ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है ये फीचर, जैसे सुबह होती है ऑटोमेटिक ये फीचर ऑफ हो जाता है। बैक आता हूँ इसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आने के बाद, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है वीडियो कलर बूस्ट। आपको जो इसको ऑन करेंगे तो आप वीडियो प्ले करते हैं, तो जैसे वीडियो प्ले करते हैं थोड़ा उसके कलर थोड़ा इन्हांस होंगे, थर्ड क्लास क्वालिटी का वीडियो देखते हैं तो वो भी थोड़ा आपको यहाँ पर अच्छा दिखता है। बैक आता हूँ, आपको यहाँ पर स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिलता है, आप मैक्सिमम यहाँ पर 120 हर्ट्ज पर इसको सेट कर सकते हैं। ये हाई मतलब होता है 120 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज करने से आपका स्मार्टफोन स्मूथ चलता है दोस्तों। तो चलिए उसके बाद उसके ऊपर ऑटो स्क्रीन ऑफ भी मिलता है, आप मैक्सिमम यहाँ पर 30 मिनट तक सेट कर सकते हैं। आपने 1 मिनट कर लिया तो आपने फोन को यूज करना बंद कर दिया है, लेकिन स्क्रीन ऑन है तो 1 मिनट के बाद में ऑटोमेटिक डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। दोस्तों अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन के नोटिफिकेशन पैनल में आएंगे, आप इस फोन में वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं, अपने वाईफाई का इंटरनेट हॉटस्पॉट के जरिए किसी और को शेयर कर सकते हैं बिना उस फोन में अपने वाईफाई का पासवर्ड डाले। दोस्तों इसके अलावा आप यहाँ पर लिंक टू विंडोज पर क्लिक करके यहाँ से आप विंडोज में कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब अपने पीसी से कनेक्ट कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन को। आप यहाँ पर जो भी यूज करेंगे वो लाइव आपके पीसी में चलता रहेगा, यहाँ से इसको कनेक्ट कर लेना। अगले फीचर के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट बटन मिलता है, यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीनशॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप कस्टमाइज स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसे कि लॉन्ग स्क्रीनशॉट हो या तो आप रीसाइज करके अपने हिसाब से भी आप इतना ही स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरह से आप रीसाइज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके अलावा इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद इस तरह से स्लाइड करेंगे, आपके यहाँ पर मिलता है क्यूआर कोड। आप कोई भी क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे यहाँ से, तो वो क्यूआर कोड किस चीज़ के बारे में है वो उस चीज़ के लिए आपको रीडायरेक्ट करके लेकर जाएगा। अगले फ्यूचर के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे थ्री डॉट पर, यहाँ पर एडिट टाइल्स पर हम क्लिक करेंगे। नीचे और भी बहुत सारे बटन होते हैं जैसे कि डू नॉट डिस्टर्ब है, जैसे हम प्लस पर क्लिक करते हैं वो ऊपर आकर वो बैठ जाते हैं। म्यूट नोटिफिकेशंस हैं, इसके अलावा आपको जो फीचर्स यहाँ पर अच्छे लगते हैं उनको आप यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके ऊपर ले लेना दोस्तों। म्यूट नोटिफिकेशंस हम इसको ऑन करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशंस ही नहीं आएंगे। इसके बाद ऑफ करेंगे तो और भी नोटिफिकेशंस आना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब मिलता है, आप इसको ऑन करेंगे तो कॉल मैसेज कुछ भी है आपको पता ही नहीं चलता है, और आप यहाँ पर 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए 8 घंटों के लिए डू नॉट डिस्टर्ब को सेट कर सकते हैं। तो आप हम पर इसको इस पर सेट करेंगे तो जब तक आप ऑफ नहीं करते तब तक तो कोई डू नॉट डिस्टर्ब ऑफ नहीं होता। आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं करेगा, रिंगटोन भी नहीं बजेगी कॉल मैसेज आने के बाद में। तो चलिए दोस्तों, इसके अलावा और हमने लिया था यहाँ पर किड्स बस, एक काफ़ी कमाल का फीचर दोस्तों। यहाँ पर आपको उस एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना है जो एप्लीकेशन को यूज़ करने की परमिशन आप बच्चों को देना चाहते हैं। आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है, टाइम लिमिट को ऑफ करना है, नेक्स्ट करना है, उसके बाद ओके करना है। तो यहाँ पर आप आएंगे इस तरह से इस स्टेप में, यहाँ पर आप जो एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे वही एप्लीकेशन को यूज़ कर सकेंगे। आप अभी बच्चों के हाथ में फ़ोन को देते वक्त इस तरह से करके देना। यहाँ पर बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन कुछ भी क्लिक करेंगे तो कुछ भी होगा ही नहीं, दूसरा एप्लीकेशन यूज़ ही नहीं कर सकते। आप अभी इसको निकालना चाहते हैं तो 3 डॉट पर क्लिक करके करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपने लॉक स्क्रीन पर लॉक सेट करके रखा है उसको अनलॉक करेंगे, तब यहाँ पर आप अपने रियल स्पेस में आ सकते हैं। इसके अलावा इसी नोटिफिकेशन पैनल में हम यहाँ पर और स्लाइड करके देखेंगे। यहाँ पर फोकस मोड है, इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप शो ऑल एप्स पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सारे एप्लीकेशंस दिखेंगे, कौन से एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ओपन भी ना हो और उसके नोटिफिकेशंस भी ना आए। आप किस एप्लीकेशन के साथ ऐसे करना चाहते हैं उस एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना, टर्न ऑन नाउ कर लेना। अभी हम उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ओपन भी नहीं होगा और इसके नोटिफिकेशंस भी नहीं आएंगे। तो जैसे मैं इस फोकस मोड को ऑफ करता हूँ तो इसके नोटिफिकेशंस भी यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर ये एप्लीकेशन ओपन भी होगा। अगले फ्यूचर के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद और हमने यहाँ पर लिया था स्क्रीन रिकॉर्डिंग। यहाँ पर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले एक बार इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके इसके सारे सेटिंग्स को कर लेना दोस्तों। यहाँ पर माइक की सेटिंग कर लेना, इसके बाद इसकी क्वालिटी की सेटिंग कर लेना। ये सारे सेटिंग्स आप करके एक बार फ्रंट कैमरा में अपना फेस दिखना चाहिए तो इसको सेट कर सकते हैं। ये सारे सेटिंग्स अपनी मर्जी के हिसाब से आप करके यहाँ पर एक बार इसके ऊपर टैप करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अगले फ्यूचर के लिए 2 उंगलियों से इस तरह से पिंच करेंगे, यहाँ पर स्लाइड करेंगे, आएंगे यहाँ पर मोर में। आपको यहाँ पर मिलता है होम स्क्रीन मोड, आप यहाँ पर करेंगे स्टैंडर्ड मोड तो सारे एप्लीकेशंस आपको इसी होम स्क्रीन पर ही मिलेंगे। और ड्रावर मोड मतलब इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशंस आते हैं, बाय डिफॉल्ट तो वही रहता है। यहाँ पर जैसे ऐप ड्रावर को ओपन करते हैं यहाँ पर कीबोर्ड आता ही नहीं आना चाहिए तो पिंच करेंगे और स्लाइड करके मोर में आएंगे और यहाँ पर होम स्क्रीन मोड में आके यहाँ पर नीचे आके डिस्प्ले कीबोर्ड व्हेन एंटरिंग ऐप ड्रावर को ऑफ करके इन न्यूज पर क्लिक करके उसको सेट करेंगे तो अब ऐप ड्रावर ओपन करेंगे तो ये कीबोर्ड नहीं आएगा। चलिए अगले फ्यूचर के लिए भी पिंच करके स्लाइड करके मोर में आएंगे और नीचे आइकन पुल डाउन जेस्टर में आके यहाँ से इसको हम ऑन करेंगे तो आप नीचे से इस तरह से कोने से ड्रैग करके वो एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। इजी हो जाएगा आपको एप्लीकेशन ओपन करने में, यूज़ करने में। अगले फ्यूचर के लिए भी पिंच करके स्लाइड करके मोर में आएंगे, यहाँ पर आएंगे दोस्तों नीचे, यहाँ पर डबल टैप टू लॉक को ऑन करेंगे तो और यहाँ पर आपको होम स्क्रीन पर जहाँ पर भी खाली जगह दिखता है डबल टैप करना है, लॉक हो जाता है। अगले फ्यूचर के लिए भी आप 2 उंगलियों से पिंच करके स्लाइड करके मोर में आते हैं और आना है आपको नीचे, यहाँ पर स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन में आके आपको नोटिफिकेशन ड्रावर पर सेट कर लेना है। अभी आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालना तो ऊपर से खींचने की जरूरत नहीं, नीचे से बस इतना करना, ये निकल कर आता है। अगले फ्यूचर के लिए भी 2 उंगलियों से पिंच करके स्लाइड करके मोर में आते हैं, आना है इस तरह से नीचे, आपको आना है और नीचे इस सेटिंग को हम ऑन करेंगे। अब मतलब लॉक करके रखें स्मार्टफोन को, स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे तो ये स्क्रीन ऑन हो जाता है। दोस्तों अगले फ्यूचर की बात करते हैं, इसके लिए हम इस फोन के सेटिंग्स में आते हैं। सेटिंग में आके आते हैं कुछ इस तरह से नीचे, नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में आते हैं। यहाँ पर आपको मिलता है लॉक स्क्रीन, इस सेटिंग में आना है, स्वेप डाउन ऑन लॉक स्क्रीन टू व्यू नोटिफिकेशन ड्रावर, ये हम ऑफ करेंगे। अब इस नोटिफिकेशन पैनल को लॉक स्क्रीन से नीचे लेकर आने की कोशिश करेंगे तो नहीं आएगा, सिक्योरिटी पर्पज इसको ऑफ कर लेना दोस्तों। तो चलिए इसके बाद आपको लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन में आना, ये बहुत ही कमाल का है। आप यहाँ पर लॉक करके रखें स्मार्टफोन को तो यहाँ पर OTP मैसेजेस आपको आते हैं तो यहाँ पर दिखते हैं, वो नहीं दिखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप लॉक करके स्मार्टफोन को कहीं भी रखें तो OTP लॉक स्क्रीन से लेकर कोई भी आपके अकाउंट्स को हैक कर सकता है। इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन में आके शो ऐप ओनली करेंगे। अब यहाँ पर कौन से ऐप से नोटिफिकेशन आया है इतना ही बताएगा, लेकिन आपको नोटिफिकेशन डिटेल में नहीं दिखेगा, ओटीपी डिटेल में आपको नहीं दिखेगी दोस्तों। तो चलिए, और उसके बाद उसके ठीक नीचे वेक स्क्रीन मैंने नोटिफिकेशन इज रिसीव्ड को हम ऑन करेंगे। तो आप लॉक करके रखें स्मार्टफोन को, तो नोटिफिकेशन आता है तो स्क्रीन ऑन हो जाता है। आता हूँ दोस्तों एक स्टेप बैक, यहाँ पर आपको मिलता है ऐप आइकन, इस सेटिंग में आना है, बैटर्स में आना है। आप यहाँ पर करेंगे डू नॉट शो, तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो उस ऐप के ऊपर कुछ भी नहीं दिखेगा। आप यहाँ पर करेंगे नंबर, तो क्वांटिटी दिखेगा। एग्जांपल आपको व्हाट्सअप से 50 नोटिफिकेशन आती हैं तो 50 बोलकर क्वांटिटी दिखेगा। आप यहाँ पर डॉट करेंगे तो एक डॉट दिखेगा, नंबर और डॉट करेंगे तो दोनों बताएगा, डॉट भी और क्वान्टिटी भी दोस्तों। चलिए बैक आता हूँ, आपको यहाँ पर स्टेटस बार में आना है, यहाँ पर टाइम है। आप यहाँ पर जो ऊपर स्टेटस बार में आपको टाइम बताता है, कितने बजकर कितने मिनट्स होकर कितने सेकंड्स हो रहे हैं, वो भी आप कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर डू नॉट शो इसको पूरा बंद भी कर सकते हैं, या तो आप मिनट्स और घंटे इतना ही रखना चाहिए, ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन आइकन्स में आके यहाँ पर डू नॉट शो करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो ऊपर आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं बताएगा। शो नंबर करेंगे तो क्वान्टिटी बताएगा, शो आइकन करेंगे तो जो जो एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आए उनके आइकन्स बताएंगे। उसके बाद बैटरी स्टाइल को यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, देख लीजिए बैटरी जो बॉक्स है यहाँ पर जो आपको अच्छा लगता है उसको सेट कर सकते हैं, और बैटरी परसेंटेज को भी यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को ऑन करेंगे तो आपका इंटरनेट का स्पीड कितना है यहाँ पर आपको ऊपर हर सेकंड बताएगा। इसके बाद यहाँ पर जो सारे सेटिंग्स हैं यहाँ पर ये ऑन है, ये क्या है आपको बताऊंगा। आप यहाँ पर ब्लूटूथ को ऑन किया, इसका आइकन यहाँ पर हमको दिख रहा है, नहीं दिखना चाहिए तो यहाँ से हम इसको बंद कर सकते हैं। ये इसका आइकन नहीं दिखेगा, ये ऑन रहेगा, काम भी करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन यहाँ पर इसका सिंबल नहीं दिखेगा। एक स्टेप बैक आने के बाद मोर सेटिंग्स में आना है, डिस्प्ले डेटा यूजेज इन नोटिफिकेशन ड्रॉवर को हम ऑन करेंगे तो आज सुबह से लेकर अभी तक आपने कितना डेटा यूज किया है यहाँ पर आपको ऊपर स्टेटस बार में बताएगा। इसके बाद एकदम लास्ट में यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आके इसको ऑन कर लेंगे। आपको व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज करके एवरीवन डिलीट करता है तो वो मैसेज आपको यहाँ पर दिखता है। इसके बाद यहाँ पर जो पंच में जो लाइटिंग है ये कैसे सेट करें आपको मैं बताऊंगा। इसको सेट करने के लिए ऐप मार्केट को एप्लीकेशन को ओपन करना है, ओपन करके आपको यहाँ पर रिंग रिंग सर्च करना है सर्च बार में। यहाँ पर यह रहा रिंग, एक और बार रिंग, आपको इतना सर्च करना है, सर्च करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। मैंने इसको पहले से डाउनलोड करके रखा है, आपको भी डाउनलोड करके ओपन करना है, ओपन करके सारे परमिशन देना है। जैसे आपने सारे परमिशन दे दिया तो आप आएंगे इस स्टेप में, ये ऑफ रहता है, सबसे पहले इसको ऑन कर लेना है और इस कंट्रोलर से अपने इस कैमरा के पास लेकर जाना है इस रिंग को। इसके बाद इस कंट्रोलर से अपने इस रिंग को छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद आप इस पर क्लिक करके सेगमेंट कलर पर क्लिक करके सिंगल कलर को सेलेक्ट कर लेना है। इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके जो कलर चाहते हैं उस कलर को सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके वही कलर को एक और बार सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। इस तरह से सेट हो जाता है दोस्तों। अगले फ्यूचर के लिए आगे इस फोन के सेटिंग में आपको आना है एकदम नीचे, इस तरह से आपको यहाँ पर स्पेशल फीचर्स में आना है, डायनेमिक बटन में आना है, यहाँ पर इसको ऑन कर लेना है। डबल टैप पावर बटन, मतलब पावर बटन के ऊपर डबल टैप करने के बाद यहाँ पर क्या होना चाहिए वो आप यहाँ पर चेंज करके उसको रख सकते हैं। ओपन ऐप कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर अब डबल टैप करता हूँ इस पावर बटन पर तो यहाँ पर कैमरा ऐप ओपन हो जाता है। इसके अलावा इसके ऊपर हम यहाँ पर डबल प्रेस करेंगे, जोर से प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद क्या होना चाहिए आप यहाँ पर वो सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ टॉर्च को ऑन ऑफ, यहाँ पर दो बार जोर से प्रेस करता हूँ तो टॉर्च ऑन होती है। आता हूँ एक स्टेप बैक, आपको यहाँ पर और बैक आना है, स्मार्ट साइड बार में आना है, यहाँ पर गेट स्टार्ट पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। यहाँ पर एक साइड बार निकल कर आता है, इस तरह से स्लाइड करके यहाँ पर आप कुछ शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं, आपको यहाँ पर शॉर्टकट्स मिलते हैं। नीचे आके एडिट्स में आके इनको आप निकाल कर अपने मनपसंद के एप्लीकेशन पे ऐड करके रख सकते हैं। डन पर क्लिक किया, आप कुछ भी यूज कर रहे हैं तो तुरंत आप वो एप्लीकेशन को यूज करना चाहे वो एप्लीकेशन को यहीं से ओपन करके यूज कर सकते हैं। आता हूं बैक, आपको स्मार्ट सेंसिंग में आना है, यहां पे आके आपको ऑन कर लेना है इस स्मार्ट सेंसिंग को। आपने ऑन कर लिया, एग्री कर लेना है। आप कोई भी क्यूआर कोड के सामने लेकर जाकर यहाँ पर पीछे डबल टैप करेंगे, इस तरह से पीछे इस तरह से डबल टैप करने के बाद तो आपको पेमेंट मोड पर लेकर जाएगा डायरेक्ट, आपको अमाउंट डालकर पिन डालकर पे कर देना है बस दोस्तों। इसके बाद इसी स्पेशल फीचर में आने के बाद नीचे आने के बाद आपको राइडिंग मोड भी मिलता है। आप राइडिंग कर रहे हैं तो आपको इस मोड को ऑन करके राइड करना है, तो कोई भी आपको कॉल करता है तो उसको बताएगा कि कॉल पे ऐसे बोलेगा कि आप राइड कर रहे हैं। इसके बाद अगले फीचर के लिए हम जैसे इस फोन के सेटिंग्स में आते हैं, आपको आना नीचे ऐप्स में, ऐप्स में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है ऐप क्लोनर। आपको यहाँ पर जो एप्लीकेशंस दिखेंगे उनको आप डुअल करके यूज़ कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन को डुअल करना है यहाँ पर आके यहाँ से इसको ऑन करना है, वो दो हो जाते हैं एप्लीकेशंस। तो चलिए अगले फ्यूचर के हम जैसे इस फोन के सेटिंग्स में आते हैं, सेटिंग्स में आके आपको नीचे बैटरी में आना है। बैटरी में आने के बाद आपको यहाँ पर आना है नीचे स्टॉप चार्जिंग एट 80% को ऑन कर लेना। अब आपका स्मार्टफोन 80% से ज़्यादा चार्जिंग नहीं होगा, ज़्यादा दिनों तक अपनी बैटरी को अच्छा रखने के लिए इसको ऑन कर लेना दोस्तों। और चलिए बैक आता हूँ, अगले फ्यूचर के लिए हम जैसे इस फोन की सेटिंग्स में आके एकदम नीचे आता हूँ, रियलमी लैब में आना है। आपके यहाँ पर मिलता है मिनी कैप्सूल, जैसे डायनामिक आइलैंड एप्पल के 14 प्रो सीरीज में, 15 प्रो सीरीज में जैसे कि एप्पल का यूज़ करते हैं डायनामिक आइलैंड, वैसे आपको डायनामिक आइलैंड मिलेगा। चार्जिंग लगाने के बाद में, म्यूजिक प्ले करने के बाद में, वेदर के लिए भी ऑन कर सकते हैं, बाकी इन सारी चीज़ों के लिए इस तरह से आप डायनामिक आइलैंड यूज़ कर सकते हैं दोस्तों।